नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव और इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। ऑफ स्पिनर आर अश्विन की गिनती भारत के सफल स्पिनर्स में की जाती है। अश्विन भारतीय लिमिटेड ओवर की टीम में तो अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो लगातार टेस्ट टीम का हिस्सा जरूर बने हुए हैं। अगर मैच भारत में हो रहा होता तो उनकी भूमिका अहम हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले उनके प्लेइंग 11 में खेलने पर असमंजस था। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट मैच में हमेशा तेज गेंदबाजों की दूती बोलती है। अगर वो किसी स्पिनर ने अपना परचम लहराया है तो वो है नाथन लायन। विजिटिंग स्पिनर हर बार ऑस्ट्रेलिया में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में फेल हुए हैं। ऐसे में क्रिकेट के गलियारों में बातें चल रही थी कि भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है, लेकिन कोहली ने अश्विन पर भरोसा जताया और अश्विन उस भरोसे पर खड़े उतरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाजवाब प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये बता दिया है कि टेस्ट मैच में देश में हो या विदेश में, भारतीय टीम को उनकी जरूरत पड़ेगी ही। एडिलेड टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए मेजबानों पर अपना शिकंजा कस लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 191 रनों पर ढेर कर 53 रन की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से आर अश्विन ने सबसे अधिक 4 विकेट लेते हुए इतिहास रच दिया। बता दें, अश्विन ने इस मैच में 4 विकेट लिए और वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले स्पिनर्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया डे नाइट टेस्ट मैच में अश्विन एक इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ नाथन लायन ही हैं जिन्होंने एक इनिंग में 5 विकेट झटके हैं। अश्विन का ऑस्ट्रेलिया में ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी है। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के देश में 105 रन देकर 4 विकेट झटके थे। वहीं बात करें आर अश्विन और नाथन लायन के स्ट्राइक रेट की, तो अश्विन इस मामले में ऑस्ट्रेलिया स्पिनर से आगे हैं। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस इनिंग में जहां 27 के स्ट्राइक रेट के साथ विकेट चटकाए हैं, वहीं लायन का ऑस्ट्रेलिया में डे नाइट टेस्ट मैच खेलते हुए न्यूनतम स्ट्राइक रेट 30 का रहा है। अश्विन ने अपने इस लाजवाब प्रदर्शन से ये भी बता दिया है कि वो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर जाकर भी अपनी गेंदबाजी से धमाल मचा सकते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।